छिंदवाड़ा जिले के पांडुना में दो दिनों पहले शहर के मुख्य चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस आरक्षक की दुर्घटना में मौत के बाद शहर के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग तेज हो गई है। पुलिस थाने में पदस्थ आरक्षक दीपेंद्र सावलकर को तीन शेर चौक पर तेज रफ्तार चौपहिया वाहन ने टक्कर मारकर फरार हो गया था। सोमवार रात को उपचार के दौरान जवान की मौत हो गई। टक्कर मारने वाले वाहन का पुलिस अब तक पता नहीं लगा सकी है, जिससे अब आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। आम लोगों की सुरक्षा को लेकर नगर युवक कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा और सीसीटीवी लगाने की मांग की। लगातार मैं सीएमओ और नगरपालिका अध्यक्ष से बात कर रहा था, आज भी मैंने उनसे बात की है। नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ सर ने बोला है कि मैं एक सप्ताह के अंदर तीन से चौक के हम तीन कैमरे तत्काल लगवाएंगे। लंबे समय से चली आ रही इस मांग को लेकर नगरपालिका प्रबंधन से गुहार लगाई गई है, लेकिन नगरपालिका ने अपनी गेंद पुलिस प्रशासन की गोद में डाल दी है, जिससे अब मामला आश्वासन तक दिखाई दे रहा है। पूरा नगर के पूर्व अभी जो हादसा हुआ था आरक्षक जी के साथ, पुलिस कर्मी के साथ, क्या दो चार पहिया वाहन ने उनको उड़ा दिया था और उनका अभी तक के कोई पता नहीं चल पाया कि वो गाड़ी किसकी है, क्या है। सिर्फ पता चला है कि ऐसी कोई टवेरा गाड़ी है करके, फोर व्हीलर। तो अभी हम SDM साहब के पास आए कि कैमरा अगर अच्छे चौक पे अगर लगे होते हैं पांडुरना से इंटर करते समय और बाहर निकलते समय तीन चार कैमरे गुप्त स्थानों पर अगर लगे होते तो आज वो गाड़ी छप्पड़ में आ जाती थी। आरक्षक की मौत के बाद पुलिस महकमा सदमे में है। पुलिस भी इस तरह की घटना फिर से किसी के साथ न हो, इसलिए सीसीटीवी लगाने पर जोर दे रही है। पुलिस का कहना है कि नगरपालिका ने उन्हें तीन शेर चौक पर सीसीटीवी लगाने का आश्वासन दिया है। इसके बारे में विचार कर रहे हैं हम लोग, विचार कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, ऑपरेट करने के लिए तो हम लोग मूल चक्कर हम बात कर रहे हैं थाने में लगना चाहिए, हमारे नगरपालिका भवन में नहीं लगेगा ये ऑपरेट। उसका पूरा वो लोग करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग व्यवस्था करेंगे। BCN न्यूज के लिए जितेंद्र अतकरे की रिपोर्ट।